हे गाइस, वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस, वुमेन टैग टीम मैच में चैंपियनशिप्स हो चुके हैं चेंज। मेन इवेंट मैच में बहुत सारी भसड़ हुई है। रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगा दी। ये जो स्टाइल का कुछ पता नहीं चला कि वो हील है या फेस है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्मैकडाउन की कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करना चाहते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, शो की स्टार्टिंग हुई गाइस सोलो सिकोवा एंड हमारे गाइज, हमारे ब्लड लाइन के मेंबर सोलो स्कोर जिम इसको आ रहे होते हैं। लेकिन गाइज, हमारे एक हॉलीवुड सिंगर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो की स्टार्टिंग वही करते हैं। तो गाइज, वो बैड बनी के फ्रेंड थे एंड गाइज आके वो सीधा ही कहते हैं कि माय फ्रेंड रैंडी ऑर्टन इज राइट नाउ इन स्मैकडाउन शो एंड मैं उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ। एंड गाइज, वो तभी कहते हैं रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं। भाई साहब, आज का शो डेडिकेटेड था इस सिंगर को, क्योंकि ये हॉलीवुड के सिंगर हैं एंड गाइज ग्रैमी अवार्ड भी विनर हैं। तो गाइज, इतने में ही रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो बोलते हैं ब्लड लाइन ने बहुत कुछ तबाही मचाई है, दो डेकेड तक वो राज करते रहे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि दो साल तक पिछले ब्लड लाइन ने सब तबाह किया एंड रोमन रेंज इज द ओनली वन दे हैव अनडिफीटेड चैम्पियन। मतलब 1500 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं इस रेन को तोड़ना चाहता हूँ और इसके बाद मैं अपना रेन लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ। उसके बाद गाइस एज स्टाइल आ जाते हैं। एज स्टाइल भी वही चीज़ कहते हैं कि तूने मुझ पर अटैक किया, तू पहले ये समझ तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है एंड वाई यू अटैक ऑन मी। तो एज स्टाइल ने कहा कि मैं पहले तुझे हर मारूंगा, बाद में एलियन नाइट को मारूंगा, बाद में रोमन रेंज को मारूंगा एंड फिर मैं चैंपियनशिप टेक डाउन करूंगा एंड लूंगा एंड न्यू चैंपियन बनूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं एलियन नाइट का नाम लेते हैं, लेकिन एलियन नाइट तभी आ जाते हैं। भाई एलियन नाइट कहते हैं तुम दोनों को तो मैच नहीं मिला बेटा, मुझे मैच मिला है आज की नाइट को और मैं सोलो सिकोवा के साथ देने वाला हूँ, मसल पर्सन के साथ। एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट डे भी रॉयल रंबल में मैच दूंगा। एंड भाई साहब, ये बहुत अच्छा प्रोमो कट किया, तीनों का प्रोमो कट बहुत बिल्ट था यार, बहुत बेल्ट प्रोमो कट था, मतलब बेस्ट प्रोमो कट लगा कि तीनों कह रहे हैं। लेकिन एलियन नाइट कह रहा है भाई तुझे तो कोई मैच नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला है, मुझे आज भी मैच करना है और कल भी मैच करना है एंड मैं कल जीतूंगा, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं पहले ही ये चैंपियनशिप जीत जाता। तो इसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट था, वो था हमारा गाइज संतोष एस्कोबार का मैच अगेंस्ट हमारे कलेटो। तो गाइज इस मैच में संतोष एस्कोबार जीत चुके हैं, लेकिन गाइज इलेक्ट्रो लोपस आ चुकी हैं मेन रोस्टर एंड स्मैकडाउन में आ गई हैं एंड उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया है एंड दिस इज द बिगेस्ट थिंग एवर। इलेक्ट्रो लोपस के मतलब जो हुआ ना, मतलब थोड़ी सी चीटिंग, उसी के कारण संतोष एस्कोबार जीत चुके हैं मैच को। एंड गाइज बैक स्टेज में देखने को मिलता है कि जिमी उसो आते हैं एज स्टाइल के पास बैक से एंड भाई साहब उन्हें ऑफर दे रहे थे रॉयल रंबल का। अरे भाई कह रहे होते हैं कि एलियन नाइट को पीट, आज नाइट में जो होने वाला है मेन इवेंट उसमें एलियन नाइट को तू मतलब तोड़ेगा या मैं तोड़ूंगा। एंड उन्होंने ये कहा कि रॉयल रंबल में मैं भरोसा देता हूँ कि तेरे साथ जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे साथ ही होंगी। एंड भाई साहब इससे कॉन्फ्लिक्ट सा पैदा हो रहा है कि क्या एज स्टाइल ब्लड लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जिस हिसाब से ये स्टोरी लाइन दिखाई गई ना जिमी एंड एज स्टाइल के बीच, भाई साहब कतई अलग लेवल की है कि जिमी उसे एज स्टाइल के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन तभी उनके आते हैं मतलब फ्रेंड्स गुड ब्रदर्स एंड भाई साहब ये क्या हो रहा है। एज स्टाइल अपने फ्रेंड्स को कहते हैं मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और भाई साहब नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है रॉक की डॉटर एंड रॉक की डॉटर आती है एंड भाई साहब जनरल मैनेजर के साथ निकालडस एंड भाई साहब वो चक्री चीज़ नहीं होती जिसमें पहले रूदला रेस्टोरेंट में होती थी, उसमें रॉयल रंबल का वो चल रहा होता है। एंड गाइस पहले आते हैं हमारे सबसे पहले द प्राइड के मेंबर बॉबी लैशली और वो उठाते हैं एंड भाई साहब बहुत परफेक्ट चीज़ हुई यार, उसमें से निकाला एंड रॉयल रंबल की जितनी मतलब एंट्री होगी उसके अकॉर्डिंग आएंगे और उसमें से जो जो पिक करेगा उसको वो एंट्री मिलेगी एंड भाई बहुत परफेक्ट था। नेक्स्ट गाइस हमारा मैच था वो था, तो गाइस नेक्स्ट मैच था हमारा वुमेन टैग टीम चैंपियनशिप्स का एंड इसमें कबूकी वॉरियर्स जीत चुकी हैं एंड भाई साहब न्यू टैग टीम बन चुकी हैं कबूकी वॉरियर्स। एंड भाई साहब मैच अच्छा था, परफेक्ट था, लेकिन गाइस आपको पता है डैमेज कंट्रोल को हरा नहीं सकते, रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि डैमेज कंट्रोल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन इन अ वुमेन रोस्टर राइट नाउ। एंड भाई साहब उन्होंने मैच जीत लिया एंड भाई साहब पायरो भी फूटे बहुत ज़्यादा एंड बेली का एक सेगमेंट भी चला जिसमें बेली कह रही है कि मैं रॉयल रंबल विन करूंगी। एंड गाइस तब होता है जब कोई रॉयल रंबल जीतने वाला हो एंड दिस इज द बेस्ट सेगमेंट एवर एंड राइट नाउ बेली क्या रॉयल रंबल कल जीतेंगी उसकी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। एंड भाई साहब ये कतई खतरनाक चीज़ हुई। इसके बाद हमें नेक्स्ट बैक स्टेज देखने मिलते हैं, आठ रूथ आते हैं, वो भी घुमाते हैं, वो फनी सी सेगमेंट कर रहे होते हैं एंड भाई साहब उनका भी नंबर आ गया है, मतलब जो होता है ना रॉयल रंबल में तो वो उनका भी मिल चुका है। एंड भाई साहब बहुत परफेक्ट चीज़ें हुई हैं। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है ब्लड लाइन का सेगमेंट होता है, जहाँ पे हमारे कह रहे होते हैं पॉल हेमन
सोलो स्क्वाड, तू आज मत मार खा लेना, क्योंकि पिछली बार सोलो स्क्वाड हार के ऊपर गई, वो हार गए। और भाई साहब जो चीज़ कहते हैं ना कि आज तू नाक मत कटवाना भाई अपने ट्राइबल चीफ की, क्योंकि तू ट्राइबल एयर है। तो भाई साहब बहुत परफेक्ट चीज़ हुई यार, इट्स अ परफेक्ट सेगमेंट एवर। एंड गाइस उसके बाद पॉल हेमन ने जिमी को कहा कि जो रॉयल रंबल जीतेगा वो फेस करेगा सेथ रॉलिंस को, एंड सेथ रॉलिंस एक लात पर है अभी, तो तू जा और सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर एंड वर्ल्ड टाइटल रेसलमेनिया में मेन इवेंट कर। एंड सोलो स्क्वाड को कहा कि तू रॉयल रंबल जीत, एंड भाई साहब कितनी बड़ी चीज़ कही है। एंड उन्होंने कहा अगर तू रॉयल रंबल जीत गया तो तू नेक्स्ट ट्राइबल एयर तू बन सकता है, एंड तू जा सकता है रोमन रेंज की आँखों का तारा, मतलब सबसे ऊपर बन सकता है। तो तू सोचे तो वो कर सकता है, तू कर, दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट एवर यार। सोलो स्क्वाड को तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो जिमी को भी कह रहे हैं कि तू जीत रॉयल रंबल, तू रॉयल रंबल में एंटर हो। एंड भाई साहब यहाँ से बहुत चीज़ें कल, बहुत चीज़ें डिस्कशन में आने वाली हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो गाइस यार ट्रेन की आवाज़ है तो इग्नोर करना भाई साहब, ये चीज़ जो होने वाली है कतई खतरनाक होने वाली है, अलग लेवल की। तो देखो गाइस क्या होता है। बाकी नेक्स्ट हमारा मैच था गाइस इसके बाद कर्मेलो हेल्स एंड ऑस्टिन थ्योरी, तो मैच बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट मूव थे। लेकिन गाइस इस मैच में होगी इंटरफेरेंस, लेकिन इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी जीत चुके हैं, बहुत टाइम बाद जीते यार, इस साल की फर्स्ट विन है ऑस्टिन थ्योरी की। एंड गाइस नेक्स्टली चीज़ सबसे अच्छी ये हुई है कि ऑस्टिन थ्योरी ने अटैक किया, लेकिन ट्रिक विलियमसन आ गया। एंड भाई साहब ट्रिक विलियमसन का डेब्यू हो चुका है स्मैकडाउन में, एंड ही इज राइट नाउ स्मैकडाउन सुपरस्टार इज कम एंड राइट नाउ हमारा। तो गाइस उससे पहले भी एक मैच हुआ था, मैच नहीं हुआ था आप कह सकते हो, फाइनल टेस्टामेंटल एंड द प्राइड के बीच में। एंड भाई साहब प्राइड आते हैं एंड बोलते हैं कि ये वो मतलब प्रोमो कट करते हैं बहुत अच्छा। लेकिन गाइस हमारे फाइनल टेस्टामेंटल आती है एंड भाई साहब बोलती है कि ये क्या मतलब तुम ऐसे करो। एंड भाई साहब जो है ना सेगमेंट प्रोमो कट एंड वॉर हुई ना, नेक्स्ट लेवल यार। कैरियन क्रॉस की वाइफ ने अटैक कर दिया, लेकिन बाद में जो अटैक किया ना एकदम अलग भाई, पावर बॉम्ब लगा रहे हैं, परफेक्ट हैंडिंग। ये चीटिंग होती ना इससे ये बता रहा है फाइनल टेस्टामेंटल के लिए बहुत बड़े प्लान है डब्ल्यू के पास एंड ट्रिपल एच के पास एंड द प्राइड के लिए भी। एंड भाई साहब ये ब्रॉल नेक्स्ट लेवल होने वाली है। एंड भाई साहब ये खतरनाक हुई, मैच नहीं हुआ लेकिन ऐसा प्रोटेंड किया गया, इट्स अ परफेक्ट मूवमेंट एवर इन मेकिंग डब्ल्यू डब्ल्यू राइट नाउ स्मैकडाउन एंड रॉयल रंबल से पहले, एंड दिस इज परफेक्ट मूवमेंट एवर। तो यार वॉइस इग्नोर करना, बर्ड्स की वॉइस है। भाई साहब ये परफेक्ट स्टार्टिंग थी मतलब इन दोनों की सेगमेंट की मतलब हुई थी। एंड गाइस हमारा मेन इवेंट था सोलो वर्सेस एलेन, एंड मैच अच्छा था, परफेक्ट मूव थे, सब ठीक था, परफेक्ट चल रही थी एंडिंग, सब कुछ हो रहा था गाइस। मतलब एल ए नाइट तो पूरी तरह तबाह करने पर तुरे हुए थे हमारे सोलो स्क्वाड को, एल ए नाइट पूरी तरह से तबाह करने वाले थे। एंड भाई साहब लेकिन इसमें इंटरफेरेंस होती है, एजिस्टार की मैच हो जाता है डिस्क्वालीफाई। लेकिन गाइस तभी जिमी अपना दांव खेलते हैं और वो पकड़ा देते हैं चेयर की मार से, एंड सोलो कहते हैं, तो गाइस सोलो कह देते हैं मार से मतलब इसको हड्डियाँ तोड़ दे, ये सब कर दे, सब कुछ कर दे इसका। लेकिन गाइस तभी एक चीज़ होती है कि एजिस अटैक कर देते हैं जिमी पे भी सोलो पे भी एंड हमारे क्या कहते हैं एले नाइट पे भी। एंड भाई साहब तीनों को चेयर शॉट्स लगाते हैं, परफेक्ट चेयर शॉट्स, बेस्ट थिंग एवर करते हैं, खतरनाक चीज़ करते हैं। रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं भाई साहब, सबको आरके लगा देते हैं, सबको विंटेज वाला लगाते हैं, विंटेज यूज़ करते हैं सब पे DDT एंड सबको लगाते हैं, जिमी को लगाते हैं, जिमी बेचारा कहता है प्लीज़ माफ़ कर दे। लेकिन गाइज जिमी को लगती है विंटेज DDT थी, एज स्टाइल को DDT लगी एंड RKO लगी। एंड भाई साहब स्टैंड टॉल किया है इन रिंग में रैंडी ऑर्टन ने, जो चैन लग रहे हैं वो अलग लेवल के थे यार, दिस अ परफेक्ट थिंग एवर आई सी राइट नाउ रॉयल रंबल से पहले। एंड रोमन रेंज के सारी कसर पूरी कर दी है रैंडी ऑर्टन ने, रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल में जाने वाले हैं, रॉयल रंबल में देखो क्या होता है भाई साहब। इट्स अ तो गाइस इट्स अ परफेक्ट एंडिंग एंड परफेक्ट स्टार्टिंग ऑफ डब्ल्यू स्मैकडाउन एंड आफ्टर रॉयल रंबल, मतलब रॉयल रंबल से पहले जो परफेक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग हो चुकी है। एंड बाकी देखो क्या होता है। बाकी गाइस ये अपडेट थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, एंड दिस इज द स्मैकडाउन रिव्यू।